ओम रेम शेम 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 ब्राह्मणाय चै। ओम रेम शेम किम किम ब्राह्मणाय चै। मुंडे, इस परिवार के ऊपर मनुष्यत का साया है। देख इस बच्ची को देख, इसकी शादी नहीं हो रही है। वो बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाया, कोई काम धंधा नहीं है, और घर के मालिक को उसे भी नौकरी नहीं है। इस परिवार का मनुष्यत का साया आप तू ही जला दे, भस्म कर दे। बरमुने, इस लड़की के ऊपर मनुष्यत का साया है। इस लड़की को इस अंगार के ऊपर चलना होगा। अगर इस अंगार के ऊपर चलेगी तो तेरे परिवार की सारी मनुष्यत जल जाएगी, सारे परिवार को सुख हो जाएगा। जा बच्चा। भाई बेटा जाना बड़ा, परिवार की भलाई करे। बाबा पूरी गाबरू नको, वो सब कुछ अच्छा ही होगा ना। डाइट ओम रिंग शिंकन घर में डाइट पूरा बाबर। संभालो इसको। ए क्या क्या चल रहा है? चल उठ उठ। Hey! बहुत हो गया तेरा नाटक। क्या कर रही है तू? आई ये बेवड़ा है, पूजा पाठ दुआ वगैरह के लिए इंसान का पवित्र होना जरूरी है, ये रोज रात को दारू पीता है अलग अलग औरतों के साथ। छी! तूने मेरे तंत्र में विघ्न डाला है। ए तुम! ओ बाबा, बहुत पैसे लूट लिए तूने मेरी फैमिली से, पैसे तेरी सारी हिस्ट्री निकाल ली है, अब पुलिस विघ्न डालेगी तेरे में। किसी को नहीं छोड़ेगा। तुमने तंत्र तोड़ा है, तंत्र का श्राप लगेगा, परिवार में से कोई नहीं बचेगा, देखना सब लोग मरोगे, सब लोग मरोगे। चल। क्या हुआ सर, कोई बात है क्या? विनाशकारी विपरीत बुद्धि, कभी कभी इंसान समझ में नहीं आता मुझे। कभी कभी इंसान अपनी मजबूरी में ऐसा काम कर बैठता है कि उसकी जिंदगी बद से बदतर हो जाती है। कोई नया केस है क्या सर? हाँ, ये जो केस है ये अजीब है, भयानक है, लेकिन उसके साथ साथ एक डरावनी बात सामने आई। अभी भी हमारा समाज, हमारे समाज का कुछ हिस्सा अंधविश्वास खरीद और बेच रहा है। रिद्धि तुम वो निकालो, मैं वो दूसरा सामान लेके आती हूँ। अगर रिद्धि गैस वाले को फोन किया कि नहीं? ताई यहां पर देखना क्या मस्त नेटवर्क आता है, नहीं तो अपने गांव में कितना इश्यू रहता है नेटवर्क का। यार शहर की बात ही कुछ अलग है। अब दादा अच्छा नेटवर्क आ ही रहा है तो अपने लिए कोई जॉब भी ढूंढो ना, अब मैं अकेले कितना संभालूंगी। सबसे पहले ना तो इसकी बोलती बंद करनी पड़ेगी मुझे। विनायक अरे आज नहीं तो कल नौकरी करनी पड़ेगी ना। दीदी नौकरी नहीं, बिजनेस करूंगा। अरे मेरे पास ऐसी ऐसी स्कीम्स है ना पैसे कमाने के लिए, 3 महीने में अपना घर होगा, वो भी खुद का। गांव में ना मेरे टैलेंट और नॉलेज की कोई कदर ही नहीं थी, बस अब सही बकरा तलाशना है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग निकू बेटा।
चलो 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 उठो उठो उठो। अभी नहीं पापा। नहीं नहीं, आपकी कॉफी रेडी है, चलो उठो 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 उठो। जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो और मम्मी को धूप में एक चक्कर कटवा दो, क्योंकि मुझे ऑफिस जल्दी जाना है। गुड डे। अच्छा बस चलो अभी नाश्ता कर लेते हैं आराम से। निकिता, नाश्ता होने के बाद दवाई देना। हो पापा। मैं ऑफिस के लिए तैयार होके आता हूँ। कर लो नाश्ता। साला का नाश्ता। हो पापा। बाय बेटा। बाय सीता। औषध सगळे वेळेवर दे। सॉरी आई, मैं फंस गई हूँ। फंसा लिया मैंने खुद को। तेरे बाप को आज जाने के लिए लेट हो गया। एक तो पाइप से चढ़ के आया मैं, धूप में मेरी हालत खराब हो गई। सॉरी सूरज। पैसे? हाँ ये 6,000 है। बस 6,000? मैंने तो 10 बोला था ना। वो ज्यादा पैसे निकालूंगी तो पापा को पता चल जाएगा ना। कोई बात नहीं, बाकी के 4,000 तू बेड पे चुकाएगी। ऑफ कोर्स वोरा साहब, नहीं आपका 4,00,000 का एडवांस आ गया है, टाइम पे काम भी टाइम पे होगा। अरे मारे ऊपर विश्वास रखो ने, हूँ तो मैं फोन करूँ। ओके हाँ। अरे व्यासबा। अरे विनायक, केम छो? मस्त एकदम। हाँ मस्त गा रहे। हाँ ये कौन है अपने एरिया में आयो? अरे ये अपने एरिया का बहुत सबसे बड़ा आदमी है ये। हाँ तो फिर भी यहाँ पर रहता है? अरे ये क्या है, इसकी बीवी है ना, वो पैरालाइज है। हाँ। ये इसकी फैक्ट्री तो इधर बाजू में है। अच्छा। हाँ, और बंगलो इधर बनवाया है। हाँ। अरे बहुत अच्छा आदमी है। हाँ। चल कर। टाइम आ गया है इसकी अच्छाई का फायदा लेने का। हेलो, मुझे जेल भेजा ना, अब तो मैं बाहर आ गया हूं। अब देखना तुम में से कोई नहीं बचेगा, मेरा तंत्र तुमसे बदला लेगा। अरे हाँ हाँ, मैं काजू कतली लेकर आई हूँ, आंटी ने बताया था। एक लेना सिद्धि। अरे आर्डर जी है मुझे।
कितना अच्छा लग रहा है आज। तुम लोग को पता है बचपन में तुम लोग को नांदेड़ में लेके गई थी पिकनिक में ऐसे, अब इतने सालों के बाद आज लेके आई हूँ यहाँ पे। हाँ भाई, तो अब देख अपने अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। हाँ थैंक यू सिद्धि मुझे इनवाइट करने के लिए। चुप कर, दोस्त है तू मेरी। चला मैं अभी सोता हूँ। हाँ भाई, हाँ सोने के लिए आया क्या यहाँ पे? पिकनिक करना, एंजॉय करना। तू सोता रहे, मैं वीडियो निकालने जा रही हूँ। हम लोग अंताक्षरी खेलेंगे। हाँ हाँ, गुड आइडिया। यस मस्त एकदम। चलो चल चल चल। आई चार बॉडीज। हाँ सर, पॉइजनिंग का मामला लग रहा है। हाँ ये खाना है ना सर, वहाँ स्पीड भी है, लगता है इसमें से उनको जहर दिया गया। हाँ सर, सारी बॉडीज नीली पड़ी है। स्वादी सर, रेप या सेक्सुअल असॉल्ट का कोई एंगल नहीं है। कोई आइडेंटिफिकेशन सर? ये मोबाइल फोन्स मिले, इनके आईडी कार्ड्स मिले, और सर इस पर्स में कुछ लेडीज का सामान है। इसमें से कोई फोन चालू है तो उनके फैमिली को इन्फॉर्म कर दो, और सारे फोन टेक्निकल टीम के पास भेज दो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर एक बात समझ में नहीं आई। सर ये देखिए, चारों तरफ एक राख का सर्कल बनाया गया है। हाँ ये राख ही है, ये ऐसे क्यों और यहाँ क्यों? सीसीटीवी फुटेज नहीं सर, यहाँ तो ब्लाइंड जोन है, लेकिन पार्क की गेट पे एक सीसीटीवी कैमरा है। तो कलेक्ट करवाओ। ओके सर। स्वाति जरा चेक कर आसपास। ठीक है सर, इकड़े चल, निकालो वहाँ खड्डा है, काट दे बाहर, काटा निकालो निकालो काटा सर, काटा दे। निकिता जा रही है। ये इसका लगता है सर ना, लेकिन इनके जो आईडी मिले हैं उस पर कामड़े नाम लिखा हुआ है। कामड़े जावे मतलब ये दोनों अलग अलग फैमिली है। एड्रेस सर, इनके आईडी पर जो एड्रेस है वो अपने नायगांव के मिलन नगर का है। मिलन नगर? अरे हाँ जीतू भाई, कई वांदो ना थे। हाँ हाँ, नहीं अभी घर आया हूँ, मैं बाद में फोन करता हूँ। निकिता नेशनल पार्क गई है पिकनिक के लिए, सिद्धि के साथ गई है, सुबह बताया था ना। काय सीता, तुझे ना काही लक्षात राहत नाही। थांब आलो। ये देखिए सर। सर लगता है ये वही राख है जो वहां पर मिली। फॉरेंसिक से मैच करवा। ठीक है जल्दी आओ। सर मुझे लगता है कि यहां पर चार लोग रहते होंगे। सर हो सकता है ये निकिता यहां पर पीजी रहती हो।
नहीं स्वाति, जिसके पास इतनी महंगी घड़ी और मोबाइल हो वो ऐसे घर में नहीं रहेगी। एक काम करें निका, में ये निकिता जावड़े कौन है जरा चौकशी करा, और यहाँ कौन कौन रहता था ये भी पूछताछ करो। ओके सर। इंगड़े घर सील कर दो, फॉरेंसिक को बुलाओ, एक एक कोना जांच होना चाहिए। ओके सर। फोन लागत नहीं है दी साहब, पता नहीं कहाँ गई निको, कहीं सूरज के साथ तो। सितारो को मैं देख के आता हूँ। क्या निकिता चावले का घर यही है? हाँ, वो बेटी है मेरी। कहाँ है वो, ठीक तो है ना? हमें उसकी बॉडी मिली नेशनल पार्क में। क्या सर, कामले फैमिली 3-4 महीने पहले नांदेड़ से यहाँ रहने आए थे। सिद्धि और निकिता में बहुत अच्छी दोस्ती हुई थी। आज उन लोगों ने नेशनल पार्क में पिकनिक का प्लान बनाया था तो मैंने भी हाँ कर दी। लेकिन सिद्धि नहीं थी वहां, ना तो उसका कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क। क्या, लेकिन सिद्धि ने इनवाइट किया था निको पिकनिक के लिए, उनकी नई नई दोस्ती हुई थी। साहब नेता साहब, जस्ट डोंट वरी, 2 दिन में देता हूँ डिलीवरी। ओके बाय, थैंक यू। पापा ये सिद्धि है, अभी कुछ दिन पहले ही लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। क्या हुआ था ना, जब मैं आई को घुमाने ले गई थी तो उनकी व्हील चेयर टूट गई, तो सिद्धि ने हमारी हेल्प की उनको घर तक लाने में। थैंक यू बेटा। नो प्रॉब्लम। कहाँ रहती हो? वो 201 में। अच्छा, विनायक की बहन हो तुम? हो। अच्छा, विनायक तो रोज मिलता है जॉगिंग के वक्त। अच्छा। महीने भर में निकिता और सिद्धि की बहुत अच्छी दोस्ती हुई थी, इसलिए जब निकू ने पिकनिक का बोला तो मैं भी मान गया। ये सिद्धि के भाई विनायक को जानते थे आप? हो सर, बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन उसे जल्दी पैसे कमाने की बहुत लालच थी। अंकल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने आपको बहुत बार देखा है यहाँ पर इस एरिया में, हम भी अभी अभी शिफ्ट हुए मिलन नगर में। अच्छा। हाँ। मी सुरेश जावड़े। अंकल विनायक कांबळे। नाइस टू सी यू। क्या काम करते हो? अंकल एक हांगकांग की नई कंपनी है, एक नया न्यूट्रिशन प्रोडक्ट लॉन्च किया है सीनियर्स के लिए, उसका एजेंट हूँ। अंकल आप क्यों नहीं ट्राई करते, मतलब आपके लिए और आपके सर्कल में भी आप रेकमेंड कर सकते हैं, एकदम मस्त बोन डेंसिटी बढ़ती है अंकल। हाँ थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन हेल्थ के सामने क्या कॉस्ट अंकल। विनायक उस कंपनी के बारे में मुझे सब मालूम है, बोगस कंपनी है वो। विनायक ये सब क्विक मनी स्कीम वाले होते हैं ना, ये हमेशा यंग क्राउड को बेवकूफ बनाते हैं। वैसे अगर तुम चाहो तो मेरी कंपनी में जॉब कर सकते हो। अंकल क्या है ना, मैं जॉब के लिए नहीं बना। सर मैंने उसको एक जॉब भी ऑफर किया था लेकिन उसने मना किया, कहने लगा किसी बाबा ने उसे कहा है कि वो इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला है। एक बाबा इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनाने वाला था? हो सर, क्यों? इस जगह को देखा है आपने? ये सामान? नहीं तो। सर विनायक ये जादू टोना बहुत मानता था, लेकिन सिद्धि एकदम नास्तिक थी, उसका बिल्कुल विश्वास नहीं था, इसलिए सिद्धि और विनायक में हमेशा झगड़ा होता था। तो हो सकता है ये विनायक का ये तांत्रिक कांड वहाँ शुरू हो गया और गुस्से में आकर सिद्धि वहाँ से चली गई। मालूम नहीं सर, पर मेरी निकू तो। सर सिद्धि उसे वहाँ छोड़कर कैसे जा सकती है? अच्छा ये सिद्धि के फैमिली के बारे में कुछ बता सकते हैं हमें? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तो सिर्फ विनायक और सिद्धि को ही देखा है। सिद्धि किसी होटल में नौकरी करती थी, इतना ही पता है। ये लो स्वाति। अरे वो बीटरूट का खून पड़ता है उससे। सर स्वाति इंगड़े, अगर ये सिद्धि पिकनिक से वापस आ गई तो घर पे आना चाहिए था, गई कहाँ? हाँ सर, ये निकिता सिद्धि की बहुत अच्छी दोस्त है, फिर वो पीछे क्यों रहेगी? ऐसा भी तो हो सकता है कि निकिता को ये जादू मंत्र तंत्र इसमें इंटरेस्ट हो। पर निकिता के पास क्या कमी है, सब कुछ है उसके पास। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने जादू मंत्र तंत्र का ड्रामा किया हो, इन लोगों को मार डाला हो और बाद में सुसाइड का रूप दिया हो। हो सकता है। एक काम करो,
कल सवेरे ना उनके घर के आसपास चेक करो, आड़ोस पड़ोस से पूछताछ करो उनकी किसी के साथ दुश्मनी थी क्या, उनके SMS, कॉल डिटेल्स, ऑनलाइन डिटेल्स, अगर उसमें कुछ कनेक्शन मिलता है कि देखो ये तंत्र मंत्र, तो कोई भी आदमी ये तंत्र मंत्र का इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए करेगा ना, ये आत्महत्या करने के लिए क्यों करेगा? नंदू ये फोन्स ले, सारे अनलॉक करके जाइए जल्द से जल्द। ठीक है मैम, ट्राई करता हूँ, फिर भी कम से कम 2 दिन लगेंगे। ठीक है। मैडम वो मंगला एक नंबर की पागल थी, एक बार उसके पास नमक मांगने गई थी तो चिल्ला के बोली शाम के वक्त नमक नहीं देते। मैडम वो विनायक भी दीवारों पे कोई निशाने बनाते रहता था। कैसे निशाने? जादू डने के निशान लगते थे मैम। सर सिद्धि और मिताली हमारी एम्प्लॉई है, मिताली कल से छुट्टी पर है, उसकी लीव बाकी थी। क्या हुआ सर? मिताली और सिद्धि के बारे में आप हमें और कुछ बता सकते हैं? सर दोनों बहुत अच्छे एम्प्लॉयज हैं। और ये सिद्धि क्या वो भी यही काम करती थी? थी सर, वो अभी भी है हमारे यहाँ पे, पता नहीं कल से वो भी क्यों नहीं आई। सर मिताली और सिद्धि का 2 हफ्ते पहले बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। तू मेरी जूनियर है, मेरे बॉस से चिपकना बंद कर वरना यहाँ से निकलवा दूंगी। ताई तमीज से बात करो, मुझे प्रमोशन अपनी काबिलियत पर मिला है, आपकी तरह फेवर्स पर नहीं। क्या मिताली और सिद्धि दोनों बहनें थी? हाँ सर, इनफैक्ट मिताली ने सिद्धि को जॉब दिलवाई थी 3 महीने पहले। सब सिद्धि काम में अच्छी थी इसलिए साहब ने उसे PA से लेकर असिस्टेंट मैनेजर बना दिया। और यही बात मिताली को पसंद नहीं आई होगी। ओ मैडम, मिताली ने उस दिन बहुत हंगामा किया था और मंगला को बोला भी था कि सिद्धि को उसके पति से दूर रखे। जीजा ही मिला था अफेयर करने के लिए। क्या उसका उसके जीजा के साथ अफेयर था? मायती नहीं मैडम, पर मिताली ने यही बोला था। उसके बाद सिद्धि की माँ ने उसे बहुत मारा। बाप को खा गई। सिद्धि तो एकदम सीधी सादी लड़की थी मैडम। हाँ वो तो सुबह काम पे निकलती थी और रात में घर आती थी, किसी के साथ झगड़ा नहीं सिवा उसके घर वालों के साथ। विनायक तो ये बाजू वाले बस्ती में जुआ खेलता था, जुए में बहुत हारा था, उस दिन पी के आया। मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को पैसे चाहिए। और दादा मेरे को धक्का देती है, मेरे को धक्का। दोनों भाई बहनों में यही पे झगड़ा हुआ बहुत। अच्छा इस निकिता के बारे में कुछ बता सकते हो? वो सिद्धि की अच्छी दोस्त थी ना? हाँ उन दोनों में अच्छी दोस्ती थी। हाँ मैडम उस दिन सुरेश और विनायक ने दोनों ने मिलके एक लड़के को पीटा था, शायद वो निकिता का बॉयफ्रेंड हो सकता है। सर मेरी फैमिली मर गई और आपने इतना लेट बताया। नहीं हम लोग आए थे आपके ऑफिस में, आप नहीं थी। आपके स्टाफ ने काफी कुछ बताया आपके बारे में। क्या बताया सर? सर उन्होंने जो कुछ बताया ना वो सब झूठ है सर, कुछ भी सच नहीं है सर। मिताली शांत, अब चुप रहो। आपने सिद्धि के घर जाके हंगामा किया था ना, उसको प्रमोशन मिला उस दिन? सर वो मेरे पति के साथ मजे करे, जिस होटल में मैंने उसे काम पे लगाया वहीं पे वो मुझे क्रॉस करे तो मैं क्या करती सर? सर मुझे सिर्फ सिद्धि से प्रॉब्लम थी क्योंकि वो मेरे पति को बहुत चिपकती थी और मेरे बॉस को भी। सर वो अच्छी लड़की नहीं थी सर, मैंने एक बहन होने के नाते उसे समझाने की कोशिश की पर मैं उसके चक्कर में अपना घर नहीं बर्बाद कर सकती ना। क्या ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने सब लोगों को मार दिया? नहीं नहीं सर, सर मैं तो मंगला मौसी को अपनी माँ मानती थी, मतलब उसको तो मैं हर्ट भी नहीं कर सकती थी सर। पूछ लो विपिन से सर। अच्छा इस सिद्धि का बाकी लोगों से कैसा कनेक्शन था, क्योंकि उसकी माँ उसको मनहूस बोलती थी। सर मैंने आपको बताया ना उसके चाल चलन ठीक नहीं थे सर। तो उसकी बॉडी में भी है ना, तो वो आप बता सकती हो कहाँ जा सकती है? आपको कॉल किया था उसने? नहीं सर, मुझे लगता है नांदेड़ में वो अपने पुराने आशिक के पास गई होगी क्योंकि अभी तो उसका रास्ता साफ हो गया है ना।
कल कहाँ थे आप लोग? सर साथ में ही थे, घर पे है ना विपिन? हाँ। इंगले, इनका मोबाइल लोकेशन चेक करो, करो नांदेड़ का एड्रेस भी ले लेना। ओके सर। तुम जा सकते हो, शहर छोड़ के जाना नहीं है। मिताली, कल तुम बाहर गई थी, कहीं तुमने ही तो गुस्से में। शट अप विपिन, तुम्हें पता है कल मैं बॉयफ्रेंड सर के साथ थी। वही सर जो आजकल सिद्धि को बहुत फेवर कर रहे थे। ये विपिन और मिताली, इनकी हिस्ट्री निकालो, ये हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। ये विपिन को बोलने ही नहीं दे रही थी। सर मैं उनके बारे में पता करती हूँ। और सर एक स्टेट एजेंट है व्यास, उसने निकिता के बॉयफ्रेंड के बारे में बताया, और ये विनायक और सुरेश ने उस लड़की को बहुत मारा भी था। लेकिन सर सुरेश ने हमें ऐसे कुछ बताया तो नहीं? इंग्रे पता करो ये क्या लफड़ा है। ओके सर। स्वाति उन फोन्स का क्या हुआ? सर सीडीआर आने में और फोन्स अनलॉक होने में कल तक का टाइम रहेगा। इस सिद्धि का नंबर हमने उसके ऑफिस से लिया और उसे ट्रैक पर दिया है सर, लेकिन अभी तो उसका फोन स्विच ऑफ है। इस सिद्धि के कैरेक्टर के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मिताली उसके बारे में अच्छा बुरा दोनों बोल रही थी, और वो सुरेश और पड़ोसी उसके बारे में सिर्फ अच्छा बता रहे थे। ये सिद्धि आखिर है कौन और गई कहाँ? सर हो सकता है कि दोनों बातें सही हो। सिद्धि अपने घर वालों से परेशान थी, और इंसान है, कभी ना कभी तो संयम टूटेगा ही। शायद सिद्धि का संयम टूट गया होगा और उसी ने सभी लोगों को मारा होगा और बाद में भाग गई होगी। मिताली सिद्धि के अफेयर के बारे में बोल रही थी ना? हाँ सर। निकिता और सिद्धि दोनों के बॉयफ्रेंड्स की हिस्ट्री निकाल सर। बॉयफ्रेंड, माय फैमिली, मैं अब कभी भी अपने बॉयफ्रेंड या फैमिली के लिए तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं बस तुम्हारी ही हूँ। निके का कोई बॉयफ्रेंड था ये मुझे कुछ दिन पहले पता चला था, जब मैंने उसे चोरी करते पकड़ा था। निकिता क्या कर रही हो? कुछ नहीं पापा। इधर आओ। हाथ में क्या है? पापा अपने ही घर में चोरी? बेटा निकिता क्या हुआ? वो पापा सूरज मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। सूरज? पापा सूरज मेरा बॉयफ्रेंड है और उसके पास मेरे वीडियो है। यही वो लड़का है जो निकिता को परेशान करता है। ये ना, अब रुको मैं देखता हूँ। उसके बाद विनायक ने सूरज का मोबाइल फोन छीना और सारे वीडियोस डिलीट कर दिए। बाद में निकू ने सूरज के साथ जो रिश्ते थे वो सारे तोड़ दिए। इसका मतलब है कि आपके बेटे ने ब्रेकअप कर लिया था? ओए, ये बात मैंने आपको इसलिए नहीं बताई ताकि मरने के बाद मेरी बेटी की बदनामी ना हो। लेकिन जावले साहब ये भी तो हो सकता है कि इस सारे मामले में आपके बेटी के बॉयफ्रेंड का भी हाथ हो। उसका नाम क्या है, वही कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस? नहीं मुझे तो बस इतना ही मालूम है कि उसका नाम सूरज यादव था, वो फूड ऐप में डिलीवरी बॉय का काम करता था। कभी कभी वो घर में खाना डिलीवर करने के लिए आता था, तभी से उनका अफेयर शुरू हुआ। बस और कुछ मालूम नहीं। रिका में सर आज एक बहुत बड़ी बात पता चली मुझे। एक जगह बैठ के काम करना उतना ही डेंजर है जितना कि स्मोकिंग। मतलब आदमी गोली खा के भी मर सकता है और एक जगह बैठ के भी मर सकता है। साहब काय बोलते हैं सकाळी सकाळी? टेंशन मत ले, मैंने वर्दी पहनी है, गोली खा के मरूंगा। चार चम्मच शक्कर की चाय दिमाग की बत्ती जलाए। सर सारे फोन अनलॉक हुए हैं, सीडीआर भी आ गई, पूरी फैमिली गड़बड़ है। इस मंगला को तांत्रिक बाबा ब्लैकमेल कर रहा था, दोनों के बीच मैसेजेस हुए। इस विनायक के सर पे बहुत सारा कर्जा था और ये रिद्धि
उसका मैट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल था, लेकिन सारे लड़के उसे रिजेक्ट कर रहे थे क्योंकि वो लिम करती थी। सर इसके अलावा ये सिद्धि अपने जीजा विपिन के साथ बहुत सारी बातें करती थी। उसने विपिन को बताया था कि विनायक उससे पैसे लेता था, यहाँ तक उसने विपिन को तलाक लेने के लिए कहा था। सर इसके अलावा विनायक और सुरेश इनके बीच चैट होता था, लेकिन सारा काम को लेके था। लेकिन सर इंटरेस्टिंग बात विनायक की इंटरनेट सर्च हिस्ट्री है। सर उसने अपने भाग्य बदलने का तंत्र बुकमार्क किया था। सर मैंने ये तंत्र पढ़ा, ये बिल्कुल उनके सुसाइड जैसा ही। नहीं, अगर सिद्धि ने सुसाइड किया तो उसकी बॉडी कहाँ है? और अगर उसका हाथ इसमें नहीं है तो गायब क्यों? सर सिर्फ सिद्धि गायब नहीं है, सूरज भी गायब। सूरज के मोबाइल में निकिता के जो इंटीमेट वीडियोस थे उससे वो निकिता को ब्लैकमेल किया करता था। अभी अभी एक डेढ़ हफ्ते पहले निकिता ने उससे ब्रेकअप किया। मैंने फोन ऐप पर जब पूछताछ की तो पता चला कि वो कल से काम पर भी नहीं आया। हाँ, लेकिन उसका फ़ोन नंबर और उसका एड्रेस मिला है। वो निकिता के मोबाइल में सूरज का नंबर या मैसेजेस मिले? नहीं सर, चार दिन पहले ही निकिता का फ़ोन फॉर्मेट किया गया था। मतलब मौत के एक दिन पहले। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सूरज और ये सिद्धि दोनों मिले हुए? एक मिनट सर। हेलो, क्या सर? ये लड़का पीछे के बस्ती में रहता है। हाँ। उसने बॉडी को देखा और हमें इन्फॉर्म किया। कहाँ है वो? साइड में। सर लगता है इसे जंगली जानवरों ने नोच खाया है। ये देखिए सर। सर ये तो सिद्धि है। इसका मतलब ये उन लोगों के साथ पिकनिक में गई थी, लेकिन इसने वहाँ खाना नहीं खाया, इसलिए इसको जहर देके नहीं मारा। ये वहाँ से भागी, यहाँ तक आ पहुँची। इसको किसी ने फॉलो किया और यहाँ आके मर्डर कर दिया। सर रेप या सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ, लेकिन सर किसी भारी चीज से वार किया गया है सिर पे। ये देखिए सर निशान। सर हो सकता है कि ये प्लान सिद्धि और उसके बॉयफ्रेंड ने किया हो। सिद्धि के बॉयफ्रेंड ने अगर ये प्लान किया होता तो सिद्धि को क्यों मारता? सर मुझे लगता है मिताली और विपिन ने ये सब किया है। उन्होंने सबको प्लान करके मार दिया। इसने खाना नहीं खाया, जहर नहीं खाया, तो उसे यहाँ लाकर मारा गया। या फिर निकिता के बॉयफ्रेंड ने उसको मारने का प्लान बनाया होगा। ये सारे कामड़ी फैमिली के मर्डर्स कोलैटरल डैमेज है, और बाद में इन सारे मर्डर्स को मंत्र तंत्र विद्या का रूप दिया गया। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वहाँ पर जो मौतें हुई वो और ये मौत दो अलग अलग लोगों ने की हो। हो सकता है। एक काम करो, तुम नांदेड़ जाने का प्लान करो और वहाँ जाकर कामड़े फैमिली का पास्ट पता करो। तब तक मैं इधर सूरज को ढूंढता हूँ और विपिन और मिताली उनको खंगालता हूँ। हेलो, ओके सर, आपने जो सीसीटीवी फुटेज मंगवाए थे वो आ गए हैं। इस केस में सबसे बड़ा सस्पेक्ट सिद्धि थी और उसकी बॉडी मिल गई। इस केस को अब हमें अलग नजरिए से देखना होगा। सिद्धि फैमिली की मौत एक्चुअल में सुसाइड है या वैसा हमें दिखाया जा रहा है? लेकिन सिद्धि की मौत तो क्लियर कट मर्डर था। सर ये फैज खान है सिद्धि का बॉयफ्रेंड। इन दोनों की भागने की रिपोर्ट लिखवाई थी सिद्धि के बाप ने। सर मेरे सिद्धि को नहीं मारा सर, मैं सच बोल रहा हूँ। हमने तेरे कॉल डिटेल्स और मोबाइल की लोकेशन चेक की है। तू अलग अलग नंबर से सिद्धि को फोन किया करता था, और पिछले हफ्ते तू नायगांव में ही था, समझा ना? लोकेशन से पता चला है हमें। हाँ सर, मैं गया था वहाँ। सर मैं और सिद्धि जर्नलिज्म के स्टूडेंट थे, हम दोनों भी नास्तिक थे। हम दोनों ने ही वो बाबा का स्टिंग ऑपरेशन किया था सर, और तब से मुझे सिद्धि से प्यार था। सॉरी, तुम्हें मेरे वजह से मार पड़ी। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? तुम्हें भी तो मार पड़ी है ना, उस बाबा को जेल भेजने की वजह से। कभी कभी ना गुस्सा आता है मेरे घर वालों पे, ऐसे कैसे बेवकूफ बन जाते हैं उन बाबाओं के पीछे। जब अपने बच्चे होंगे तो ऐसे बाबा उनसे उन्हें दूर ही रखूंगा, देख लेना तुम। अपने बच्चे? हाँ, यू नो ना आई लव यू अपने कॉलेज टाइम से। आई लव यू टू। सिद्धि मालिक, शर्म कर शर्म। अरे चाचा मेरी बात तो सुनो, मेरी बेटी से दूर ही रहना वरना अंजाम बुरा होगा। सर ना मेरे घर वाले राजी थे ना सिद्धि के, तो हम दोनों को घर छोड़ के भागना पड़ा सर। मैंने बहुत मिस किया तुम्हें। हाँ दादा बोल।
क्या क्या हुआ? बाबा को हार्ट अटैक आया है सर। हम दोनों ने अलग होने का फैसला ले लिया। बाबा ने घर वालों को मार के हमें प्यार का महल नहीं बनाना था सर। बाबा बाबा I'm so sorry बाबा। नहीं बाबा, मेरी इज्जत उतार के भाग गई तू, अब यहाँ क्यों आया? बाबा प्लीज ऐसे मत बोलो। प्लीज, पराए लड़के के साथ रात भर बाहर रही तू, मर जाती यहाँ आने से पहले। अभी क्या बोल रहे हैं पापा? मुझसे ऐसे बोल लो रहती है। बाबा वो लोग यहाँ से चले गए थे सर। मैं सिद्धि को बहुत मिस कर रहा था, उसे रहा नहीं जा रहा था। उतने में मुझे उसके भाई के सोशल मीडिया पोस्ट से पता चला कि वो लोग नायगांव में हैं। सर मैं उसे मिलने के लिए वहाँ चला गया, लेकिन मैं जब पहुंचा तब उनके घर में ताला था। तो उसे मिलने नहीं, उन्हें मारने गया था। तूने सोचा कि उन लोगों को जहर देकर मार डालूंगा और सिद्धि तेरी हो जाएगी, है ना? और जब वो नहीं मानी तो तूने उसे भी मार दिया। सर नहीं, मैंने सिद्धि को नहीं मारा है सर। उसे ना वो बाबा ने मारा होगा सर, वो अभी अभी जेल से छूटा है। इन लोगों को तूने ही मारा ना, क्योंकि इन लोगों ने तुझे एक्सपोज किया था इसलिए ना। बोलना। हमने सारे मैसेजेस पढ़े, बताओ। साहब मैंने उसे नहीं मारा साहब। साहब मैं मानता हूं कि मैंने उसे धमकी दी थी, मगर मंगला ने खुद ही मुझे फोन किया था। बाबा माफ कर दो सिद्धि को, हम आपका इशारा नहीं झेल पाएंगे। गलती की है तो सजा तो मिलेगी। बाबा आप अपना श्राप वापस ले लो, इतना आसान करो हम पर। तो उसके पैसे लगेंगे। कितने? सब देखिए ना, मंगला ने खुद ही मुझे भांजी से पैसे भिजवाए थे, 5,000 रुपए। तो मैं उसे क्यों मारता साहब? मिताली को इस सब के बारे में पता था सर। बाबा ने हमें बताया कि मिताली को इस जादू टोने के बारे में सब कुछ पता है। जंगल से बाहर जाने के लिए दूसरा रास्ता है क्या? हो सर, ये पूरा जंगल ही है, लेकिन हम कहीं से भी बाहर निकल सकते हैं। एक काम करो स्वादी, उस दिन का सारा डम डाटा कलेक्ट करो और पता करो हमारे सस्पेक्ट लिस्ट में जो है उनमें से किसी का नंबर है क्या उसमें। और हाँ, उस दिन मिताली और ये विपिन जंगल के आसपास थे क्या ये भी पता करो सर। हेलो, क्या सर? एक बॉडी मिली है। शायद लड़की को मारने के गिल्ट में इसने सुसाइड कर लिया होगा। गलत इंगड़े, जो लड़का अपने गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल करता है उसको गिल्ट नहीं होता। चेक करो। अगर इसको सुसाइड करना था तो उसने OTT सब्सक्रिप्शन क्यों लिया और यहाँ आके क्यों सुसाइड किया उसने? ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और ये मोबाइल अपने टेक्निकल टीम के पास भेज दो। सर कुछ नहीं मिला। रिका में सर आसपास पूछताछ करो इस लड़के के बारे में। यस सर। देखिए विपिन जी, हमने आपको ऐसा अकेले में इसलिए बुलाया था कि आप कुछ बात कर सको, क्योंकि उस दिन हमने देखा आप तो बीवी के सामने कुछ बोलते ही नहीं। तब बताइए आपको क्या क्या मालूम है? मिताली और कामरे फैमिली में कुछ टेंशन चल रहा था सर। वो लोग जब नायगांव शिफ्ट हुए तब हम उनसे मिलने गए थे। ये लो काकू, जुहू के सबसे बेस्ट होटल का खाना है। अरे वाह वाह वाह, पर हमारे लिए इतने पैसे बर्बाद क्यों किए तुम दोनों ने? काकू अब कमाती भी तो हो ना, हर कोई आपकी बच्चों की तरह तो नहीं होता ना। ताई अब सबको आप जैसे मौके भी तो नहीं मिलते ना। सिद्धि तमीज से बात कर, तेरी जॉब मेरी वजह से लगी है, तुझे तो एहसान में सर झुका के रहना चाहिए। I hate this family. दूसरों को जलील करने में इन्हें बड़ा मजा आता है ना। अब देखना
सिद्धि को ऑफिस में कैसे टॉर्चर करती हूँ मैं। पर मिताली तुम इतना क्यों हेट करती हो? ये मंगला मौसी है ना, इसने मेरी दादी को पटा के रखा था। वो मेरी माँ को बहुत सताती थी, पक्का काला जादू किया था। मिताली ये सब बकवास है, पुरानी बातों के लिए तुम बेचारे सिद्धि से बदला ले रही हो, इसमें उसकी क्या गलती है? विपिन हद में रहो, दुनिया के सामने तुम्हें पति की इज्जत देती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी औकात भूल जाओ। ये अकाउंट नंबर जानते हैं आप? ये अकाउंट नंबर तो मिताली का ही है। इस अकाउंट से तांत्रिक बाबा को पैसे ट्रांसफर हुए थे, क्यों? सर मुझे नहीं पता कि मिताली ने तांत्रिक को पैसे क्यों दिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा और सिंधी का जो अफेयर चल रहा है वो खत्म करने के लिए? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? आई एम अ गे, और मिताली की और मेरी सो कॉल्ड अरेंजमेंट वाली शादी है। हमारे बॉस के साथ मिताली का अफेयर था और वो बहुत पहले से था। बॉस शादीशुदा है, मिताली के घर वाले फोर्स कर रहे थे मिताली को शादी करने के लिए, और मिताली के बॉस को यानी हमारे बॉस को पता था कि आई एम अ गे, तो हमारी शादी उसने ही फिक्स की। मैं भी मान गया क्योंकि मैं मेरा राज मेरे फैमिली से छुपाना चाहता था। फिर मिताली ने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारा और उसका अफेयर चल रहा है? मिताली को गुस्सा था कि बॉस सिद्धि को बहुत अटेंशन दे रहे हैं, इसलिए मिताली ने मौसी के कान भरे ताकि वो सिद्धि का जॉब छुड़वाए। तो ये सच अभी क्यों बता रहे? क्योंकि अगर मिताली मर्डर में शामिल है तो मिताली को पनिशमेंट होनी चाहिए। आई वॉन्ट हर पनिश। सर मैंने सूरज का फोन चेक किया, उसे तो कल सुबह ही फॉर्मेट किया है। कि निकिता का फोन भी फॉर्मेट किया था ना, तो क्लाउड कुछ होता है ना इंग्लैंड। हाँ आई टी डिपार्टमेंट से पता करो, उसमें से कुछ रिकवरी मिलती है। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर विनायक, निकिता, रिद्धि और मंगला चारों की मौत पॉइजनिंग से हुई है। सर प्योर स्नेक पॉइजन, वो जो मिठाई थी काजू कतली उसमें जहर। सर लेकिन डॉक्टर्स का कहना है सिद्धि की बॉडी में जहर के ट्रेसेस नहीं मिले क्योंकि उसने वो जहर खाया नहीं था, वो मिठाई नहीं खाई थी क्योंकि उसे काजू से एलर्जी है। इस सब के फोन चेक कर और पता कर उसमें कोई ऐसा नंबर है क्या जिसका कनेक्शन जो स्नेक पॉइजन बेचता। सर मिताली को बोला, विपिन ने प्रॉमिस किया था वो सच नहीं बताएगा। अरे बीवी इतना झूठ बोलेगी तो बेचारा पति क्या करेगा? हा? तुमने तो उसके अफेयर की झूठी कहानी बनाई थी, वो तांत्रिक बाबू को पैसा दिया था। हाँ सर, हमने तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड चेक किए, पिकनिक पर जाने से पहले तुम्हारी बात हुई थी मंगला से, मोस्टली वो तुम्हें कॉल करती थी, लेकिन उस दिन तुमने उसे कॉल किया था सामने से, क्यों? ये प्लानिंग पता था ना तुमको? प्लान तो फालतू था सर, पर आई वॉज क्यूरियस। मंगला मासी ने बताया था विनायक को एक तंत्र मिला जिससे उनका ये जन खत्म होकर उन्हें नया जन मिलेगा और सब ठीक हो जाएगा। उस तंत्र से वो मरकर वापस जिंदा हो जाएंगे और सिद्धि का बाहर मुंह मारना भी बंद हो जाएगा और मेरा विपिन भी आज़ाद हो जाएगा। तुम्हें पता था एक पूरा परिवार आत्महत्या की प्लानिंग कर रहा है फिर भी तुम चुप बैठी? सर वो लोग तंत्र के पीछे पागल थे, ऐसे लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हारी चुप रहने की वजह से निकिता की जान गई, वो अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। अरेस्ट करो इसे। सर किस चार्ज में? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस और अबेटमेंट में। तुम्हारे इस अफेयर की अफवाह की वजह से उन लोगों ने एक कदम उठाया। चले। हाँ ओके, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। घर नहीं गए? सर जल्दी आ गए। सर एक बहुत बड़ा क्ल्यू मिला है, सूरज का क्लाउड डेटा। सर सर सूरज के फोन में भी काफी सारे वीडियोस थे, ये देखिए। आप लोग यहाँ? मेरी बेटी का कातिल मिल गया क्या? नहीं कातिल तो नहीं मिला, लेकिन रेपिस्ट मिल गया। शर्म नहीं आती खुद के बेटी के साथ रेप करते हुए? देखो मुझे ये सब नहीं करना है, प्लीज मुझे जाने दो। ये रेप नहीं है, मैंने निको को कॉन्फिडेंस में लिया था। ये सारे वीडियोस देख के ऐसा लगता तो नहीं है? रोल प्ले था, इससे कुछ साबित नहीं होगा, न मर्डर न रेप। सीता चुप हो जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा।
देखो मेरी बीवी को डिस्टर्ब किया ना आप लोगों ने। सर लगता है सीता जी कुछ कहना चाहती है। सीता चुप हो जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। बाहर चेक करो क्या। रिकम सर निकले चौदह जरा। रिका में सर इकड़े खोदो इसे। सर निकालो। ये देखिए सर, ये वही कपड़े हैं जो निकिता ने उस वीडियो में पहने थे, और ये मोबाइल भी मिला है। इसी से वीडियो बनाता था ना तू? हाँ? मुझे नहीं पता ये सब यहाँ कैसे है। बोल क्यों किया सब? आप लोग मुझे कितना भी मार लो लेकिन मैं कन्फेस करने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब आप लोगों का प्लान है। कन्फेस करने की जरूरत भी नहीं है, तेरा पूरा प्लान हमने रिवर्स कर दिया। उस सांप का जहर बेचने वाले को तूने फोन किया था ना, तेरी बीवी के मोबाइल से जो यूज नहीं करती थी उसने पहचान लिया तेरे को। ठोस सबूत तेरे जूतों से मिला, पुराने वाले जूते, यही थे ना स्पोर्ट्स शूज। इसको जो मिट्टी लगी थी वो हमने फॉरेंसिक को भेज दी। तो पार्क में तूने सिद्धि का मर्डर जहां किया था वहां की मिट्टी और ये मिट्टी मैच कर गई। बोलेगा या नहीं? निकिता का बॉयफ्रेंड मुझे ब्लैकमेल करने लगा था क्योंकि निकिता ने उसे मेरा सच बताया था, तो उसका मुंह बंद करने के लिए मैंने निकिता को पैसे दिए थे। लेकिन बाद में मुझे ये पता चला पैसे बचाकर निकिता अपने माँ के साथ भागना चाहती है। आई तू चिंता मत कर, हम जल्दी इस नरक से निकल जाएंगे। सूरज ने सारे इंतजाम कर लिए। इसलिए मैंने विनायक को पैसे दिए ताकि वो सूरज को पीटे और उसके मोबाइल से वीडियोस डिलीट करे। बाद में मुझे विनायक ने कहा किसी तंत्र से वो सिद्धि को सुधारने वाला है, उसकी हवस खत्म करने वाला है। विनायक कहता था निकिता के लिए मुझे काला जादू सीखना चाहिए, तभी मुझे ये प्लान सूझा। विनायक का प्लान तो बस बेहोश होकर वापस आने का था, मौत का भ्रम, असली मौत नहीं। लेकिन मैंने निकिता के स्वीट्स में जहर मिला दिया। और सिद्धि को काजू की एलर्जी थी इसलिए उसने नहीं खाया। कोई है क्या? सिद्धि वहां से भागे अपने फैमिली को बचाने के लिए, लेकिन मैंने उसका पीछा किया। लेकिन जब नेशनल पार्क के हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किए तब उसमें तुम कहीं नहीं दिखे। पार्क में मेरे फैक्ट्री से ही माल जाता था इसलिए मुझे वहां का हर एक रास्ता पता है। और सूरज को क्यों मारा? निकिता के मरने के बाद सूरज मुझे ब्लैकमेल करने लगा था, तो मैंने उसे एक जगह पर बुलाया फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए। और जैसे ही आया मैंने एक ईंट से उसके सर पर वार किया, वो बेहोश होकर गिरा और मैंने उसके हाथ की नस काट दी और मोबाइल फॉर्मेट कर दिया। हाँ जी, इतने लोगों को मारने से अच्छा तेरे अंदर जो हवस है उसको मारना तो अच्छा होता। अब आप सभी जानते हो कि सुरेश जावले कितना शातिर क्रिमिनल निकला। सिद्धि परिवार के अंधविश्वास के वजह से सुरेश जावले को इस क्राइम को अंजाम देना और भी आसान हो गया। निकिता को बहुत पहले ही अपने पिताजी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए थी, और सिद्धि परिवार ने बबन के अंधविश्वास पर जो भरोसा रखा था उतना ही भरोसा अगर वो अपनी बेटी सिद्धि पर रखते तो शायद आज वो जिंदा होती। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपका स्वागत करती हूँ। जब कोई इंसान चारों ओर खतरों से घिरा हो तो दो स्थितियां पैदा होती है, या तो वो उस खतरे से तबाह हो जाए या ऐसा साहस जुटाए जो कोई उदाहरण पेश करता हो। लेकिन ये कहानी एक तीसरी स्थिति की है जिसमें अतीत और वर्तमान का एक ऐसा ताना बाना है जो सोचने पर मजबूर करता है कि क्या किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है। मैं खुद से बहुत बातें करती हूँ लेकिन लोगों की आवाज बनना चाहती हूँ, इसीलिए मैं अपने ये मोनोलॉग्स रिकॉर्ड करती हूँ। क्या मुझ में भी स्पार्क है?
कहते हैं शब्द बहुत कीमती होते हैं, पर क्या लोग मेरे इन शब्दों की कीमत समझ पाएंगे? पुलिस कंट्रोल रूम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजपुर रोड से आ रही है, जहां पर एटीएम कैश ले जाने वाली वैन को लूट लिया गया है। कहा जा रहा है कि इस वैन में तकरीबन 10 करोड़ रुपए कैश था। कुछ इस तरह के केसेस होते हैं जो हमें इतना हैरान कर देते हैं कि हम ना चाहते हुए भी कुछ दूसरे पहलू में उलझ जाते हैं। हर तहकीकात किसी भी विक्टिम के माजी या अतीत का रुख जरूर करती है। इस केस में हम मल्टीपल एंगल्स पे काम कर रहे थे, पर मुश्किल ये थी कि हम तय नहीं कर पा रहे थे कि हम सही दिशा में हैं या नहीं। हम खुद को चैलेंज कर रहे थे, पर हमारे सामने कुछ ऐसा आने वाला था जो हमारी आंखें खोलने वाला था। कट इट सर, ब्रेक की बात करते हैं। श्योर। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, मैंने अपने सोर्सेज से पता किया है, ये इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट है सर। एक इलीगल आर्म डीलिंग होने वाली है एक नॉन पॉलिटिशियन और गैंगस्टर के बीच में। सर प्लीज़ मुझे ये स्टोरी कवर करनी है, और सर मैंने स्टिंग की तैयारी भी कर ली है। थैंक यू सो मच सर। क्या हुआ उजाली, तुम पार्टी से इतना दूर दूर क्यों भाग रही हो? मुझे और गौतम को साथ में देख के जेलेसी हो रही है। रोशाली, मेरी लाइफ में ना इन सब फालतू बातों के अलावा भी बहुत काम है। फालतू बातें? याद है तूने बैट लगाई थी कि गौतम तुझे प्रपोज करेगा, लेकिन वो तो मुझसे शादी कर रहा है। क्या कर रहे हो तुम लोग यार, पार्टी में आया शिखर वार्ता में? कम ऑन यार, लेट्स हैव सम फन ना। चलो यार। नहीं गौतम, मुझे अर्जेंट काम से जाना है। अरे जाली यार, तुम ऐसे नहीं जा सकती। कम ऑन यार, चलो ना। करण, मैंने बोला ना मुझे अर्जेंट काम से जाना है। आई हैव टू गो। How rude! इसे क्या हो गया? Leave यार, चलो। Enjoy यार। ये तीसरा कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया है। I am damn sure कंपनी का कोई एम्प्लॉय हमारे कोटेशंस लीक कर रहा है। देखो, डिटेक्टिव करना है करो, मुझे कंपनी के हर एम्प्लॉय को इन्वेस्टिगेट करना है, समझे? पापा, ऐसा क्या हो गया आपके बिजनेस में कि आपको डिटेक्टिव करना पड़ रहा है? तेरा जर्नलिज्म क्या कम था? तो तेरे पापा भी ऐसी बातें करने लगे हैं कि सुनकर डर लगता है। मम्मा, अगर लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट ना हो तो लाइफ जीने का मजा नहीं आता, है ना पापा? एक्साइटिंग की बच्ची, अपने मम्मी के कंसर्न को समझो। ये पत्रकारिता छोड़ और बिजनेस ज्वाइन कर ले। फिलहाल पापा, मैं अपने जर्नलिज्म से बहुत खुश हूँ, और हाँ, मुझे चेंज करके फटाफट निकलना है कि स्टोरी कवर करनी है। मतलब तू एक और नया खतरा मोल लेने जा रही है? मम्मा, कोई खतरा मोल नहीं ले रही हूँ मैं। इतनी क्यों टेंशन लेते हो आप? डोंट मेक अस फूल बेटा, आई नो तुम अंडरकवर बनके डिस्गाइज लुक में इधर उधर जाती हो, और इस बार भी किसी मिशन पे जा रही हो। I will expose him. After all, it's a matter of national security. I will expose him. ओ मैडम, क्या कर रही है? खाना बनाने को बोला था, बीरबल की खिचड़ी नहीं। अरे निकालेंगे नहीं, खरीद भी लेंगे। तू तो बस बोली लगा। बाबा 1100 रुपए? 1100? अरे 1100 में इंसान नहीं पलता, भूत कैसे पालेंगे? 11000 रुपए लगेंगे, और गारंटी के साथ लिख कर देंगे कि तुम्हारी बीवी के अंदर मकबूल का भूत नहीं घुसे। हाँ, तो देखा आपने किस तरह से भूत खरीदी केंद्र पर भूत का सौदा किया जा रहा है।
सर, सर कोई इस लड़की को यहाँ आरती पे छोड़ गया। पूजा खोलो जरा। गले पे स्ट्रैंगुलेशन के मार्क्स हैं और बॉडी पे इस तरह के मार्क्स हैं जैसे इसे टॉर्चर किया गया हो। सर इसका मतलब लड़की को मार के इसकी लाश को यहाँ डंप किया गया। एरिया में जितने भी शमशान हैं सब जगह पता करो, शायद इस लड़की को लीड मिले। यस सर। पूजा बड़ी उधर पलटो। तीन साल पुराना न्यूज़पेपर, कौन हो सकती है लड़की? बाहर खोले देख। यस बॉस, काम हो गया। मैं अभी आपको फुटेज सेंड करती हूँ। ये क्या बकवास है रुशाली? एक्चुअली ना, मैंने गौतम के साथ बहुत मेमोरेबल टाइम स्पेंड किया, सोचा तुझे बता दूँ। तू मुझे जेलस फील कराने के लिए इतनी हद तक गिर सकती है? ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। तू रुक, अभी मैं गौतम को पूरी सच्चाई बताती हूँ कि तू कितनी गिरी हुई लड़की है। जिस लड़की की लाश हमें आरती पर मिली थी उसकी पहचान से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है और मिसिंग कंप्लेंट से भी कुछ पता नहीं चल रहा है। और सर उस एरिया के आसपास सभी शमशान घाट में पता किया, वहां से भी कोई क्लू नहीं मिल रहा। ये नेचुरल डेथ नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक विक्टिम की मौत गला दबाकर की गई। और विक्टिम की बॉडी पर और उसके प्राइवेट पार्ट में एक काम करो, जहां कहीं भी आरती का सामान मिलता है वहां पता करो, शायद कोई लीड मिले। और विक्टिम की तस्वीर सभी अखबारों और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करवाओ, शायद कुछ शिनाख्त के लिए आ गया। सर सुनीता। हाँ ये देख, ई न्यूज़पेपर में क्या छपा है? ये अज्ञात लड़की की लाश वाला है। अरे नहीं, ये देख ये जिंदगी वाला, ये सुरेंद्र श्रीवास्तव नाम का आदमी अपनी बेटी के लिए घर जवाई ढूंढ रहा है। हाँ तो? अरे तो मतलब मैं चांस लेके देखूं, हो सकता है मेरी शादी उसकी बेटी से हो जाए। हेलो, कालानगर पुलिस स्टेशन, आप कौन बोल रहे हैं? सर मैंने ही आपको फोन किया था। जिस लड़की का फोटो आपने अखबार में छापा था वो हमारी पड़ोसी है, वो अपने पति के साथ यहाँ रहती है, पर कुछ दिनों से उसके घर में ताला लगा है सर। उस लड़की का और उसके पति का नाम क्या है? सर उसके पति का नाम तो बंसी है, पर लड़की का नाम मुझे नहीं पता। वो पिछले महीने उसे शादी करके यहाँ पर लाया था। आ जाओ, डरो मत, इधर। आपके पास उनमें से किसी का फोन नंबर है? जी उसके पति बंसी का नंबर है मेरे पास, पर वो बंद है नंबर। कोई बात नहीं, आप नंबर दीजिए। खुशबू नंबर, अनुज ताला तोड़ो। सर बंसी की पासबुक मिली है।
ये दोनों मियाँ बीवी में रिश्ता कैसा था? क्या बंसी अपनी बीवी को मारता पीटता था? सर, उनके रिश्ते के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं जानती। सर, वो लड़की घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, काफ़ी डरी डरी भी रहती थी वो। सर, हमारे माँ बाप काफ़ी पहले ही गुजर गए थे। मेरी बहन सुनीता के अलावा मेरा और कोई नहीं है। बस हम दोनों भाई बहन मिलकर ही पापा का पुश्तैनी बिजनेस संभालते हैं। कितना टर्नओवर है बिजनेस का? करीब 1.5 करोड़। छोटा सा ही बिजनेस है। मैं पैसे से इंसान को नहीं तोलता, मैं खुद करोड़ों का मालिक हूँ। पर मेरी बेटी मेरे लिए सब कुछ है। वो शादी के बाद मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती, इसीलिए मैं उसके लिए घर जमाई ढूंढ रहा हूँ। जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन आपकी बेटी है कहाँ? अभी बुलाता हूँ। जयंती, सर बंसी की ट्रांजेक्शन से पता चला है कि उसके अकाउंट में चौधरी ट्रांसपोर्ट से फंड ट्रांसफर होता था। मैंने चौधरी ट्रांसपोर्ट में पता किया, वो वहाँ पे एक ड्राइवर था और उसकी कंपनी वालों का कहना है कि 11 दिन पहले वो पंजाब एक डिलीवरी लेकर गया था, लेकिन अभी तक लौटा नहीं है। पता करो पंजाब में कहाँ गया था और इस वक्त वो कहाँ। ओके सर। सर हमें सर एक लोकल चैनल न्यूज़ की क्लिप में वो लड़की दिखाई दे रही है जिसका मर्डर हुआ था। जिस तरह से इस विक्टिम की बॉडी हमें अर्थी पर मिली, कहीं ये किसी उटपटांग तंत्र मंत्र के शिकार तो नहीं हुए? पता करो ये वीडियो कहाँ से अपलोड हुआ, इसका सोर्स क्या है। यस सर। बेटा, शादी पक्की करने से पहले मैं तुमको अपने परिवार की एक रस्म के बारे में बताना चाहता हूँ। पापा अभी सब रहने दीजिए ना। और बेटा रस्म है तो निभानी तो पड़ेगी ना। नहीं नहीं, प्लीज बताइए ना क्या रस्म। बेटा रस्म ये है कि हमारे यहाँ लड़का जब घर जमाई बन के आता है तो वो दहेज लेकर आता है। वैसे यहाँ भगवान का दिया सब कुछ है, पर तुम 11 लाख रुपए नकद दे देना। उस पैसे से मैं तुम दोनों के नाम से दान पुण्य कर दूंगा। देखा, मुझे पहले ही लगा था अखबार में घर जमाई का ऐड देने वाले लोग फ्रॉड होते हैं, और अब अगर इन्हें पैसे दे दिए तो ये हमें चपेट लगा के निकल जाएंगे। नहीं सर, मैंने किसी को टॉर्चर नहीं किया। यहाँ लोग अपनी श्रद्धा से अपना भूत उतरवाने के लिए आते हैं। जिस लड़की का तूने भूत उतारा था ना, उसका रेप हुआ और कत्ल हुआ। अब सीधा सीधे ये बता कि तेरा इसमें क्या लेना देना, वरना तेरा भूत उतार दूंगा। सर आगे कुछ मत बोलिए। सर ये लड़की 3 महीने पहले यहाँ आई थी, इसका मर्डर हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ सर। ये लड़की यहाँ पर अकेली आई थी? नहीं सर, इसका पति से यहाँ लाया था। पति? इस आदमी के साथ आई थी? नहीं सर, ये नहीं, कोई दूसरा आदमी था। दूसरा आदमी? हाँ सर। सर आप उस वीडियो में देखिए ना, वो आदमी दिखाई दे रहा है। पक्का यही आदमी इस लड़की को यहाँ लेकर आया था? जी सर। कौन है ये आदमी, कहाँ रहता है? सर मुझे नहीं पता, यहाँ तो लोग बाग दूर दूर से आते हैं। अब कौन कहाँ रहता है मुझे क्या मालूम। कहा जा रहा था उजाली पे किसी मकबूल नाम के भूत का साया था, लेकिन ये मकबूल वाकई कोई भूत था या ये गुनाहों को छिपाने का कोई षड्यंत्र था। एक तरफ कहा जा रहा था कि उजाली बंसी की पत्नी थी, लेकिन अब पता चला था कोई निरंतर भी उसका पति था। लेकिन उजाली की मौजूदा जिंदगी का परिवेश उसके अतीत से एकदम अलग था। उजाली एक बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखने वाली एक पढ़ी लिखी लड़की थी जो 3 साल पहले तक मीडिया से जुड़ी थी, लेकिन उसका अतीत कई चौंकाने वाले कड़ियों से जुड़ा था, जिसका एक पहलू उजाली की दोस्त रुशाली का मर्डर था। क्या हुआ उजाली, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ बेटा? बोलो ना, बोलो बेटा। ले चलो इसे। कहाँ ले जा रहे हो उसे? नहीं उजाली, नहीं छोड़ो। पापा मैंने कुछ नहीं किया। पापा सुनो तो सही, फ्रेंड रुशाली का मर्डर किया है तुमने? नहीं पापा, मैंने कोई मर्डर नहीं किया। पापा रुशाली के घर के बाहर सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी तुम, तुम्हारे कपड़ों पर खून लगा हुआ था, मर्डर करके भागी थी वहां से। चलो गाड़ी में से। नहीं पापा, मैंने कोई मर्डर नहीं किया। पापा प्लीज नहीं। पापा उजाली, Thank you.
मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, सब मैंने कुछ नहीं किया, सब मैं तो मेरे काम से पंजाब गया हुआ था साहब, वहाँ अखबार में देखा कि मेरी बीवी का यहाँ पे मर्डर हो गया, तो मैं डर गया था साहब। सब पता हमें, तो एक लंबे अरसे से अपनी बीवी को फिजिकली और सेक्सुअली अब्यूज कर रहा था, तूने उसको नहीं साहब, हमारे तो शादी के बाद भी शारीरिक संबंध नहीं बने थे साहब, मैं सच कह रहा हूँ साहब, अभी 15 दिन पहले तुम उसको सही सलामत छोड़ के गया था साहब। पूजा, मुझे पंजाब से वापस लौटने में 6-7 दिन लग जाएंगे, तुम ध्यान रखना अपना। हाँ सब आप चाहे तो पता कर लीजिए, मैं पिछले 15 दिन से पंजाब में ही था साहब, मैंने पूजा को नहीं मारा साहब। तुम्हारी बीवी का नाम पूजा है? हाँ सर। कहाँ की रहने वाली थी, परिवार में कौन कौन है? उसके परिवार का कुछ पता नहीं था सब। तेरी बीवी थी वो कहाँ की रहने वाली थी, परिवार में कौन कौन है, तुझे कुछ नहीं पता? दरअसल वो मेरे दोस्त की बीवी थी साहब। क्या? हाँ साहब, उसका पहला पति उसको बहुत मारता था साहब। 1000 रुपए खर्च किए तुझे मैंने, लेकिन तू वैसी की वैसी रही, अभी मैं उतार दूं तेरा। क्या कर रहा निरंतर? वो मेरी बीवी है, तू कौन होता है? मैं बीच में बोलने वाला हूँ। चलो पूजा, चलो यहाँ से। वो कभी ना चाहता तो पूजा को कहीं भेज देता साहब, इसलिए मैं उसे बचा के अपने साथ ले आया साहब। पानी, डरो मत पूजा, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के पास पहुंचा दूंगा। बताओ कहाँ रहता है तुम्हारा परिवार? पूजा ने मुझे कुछ बताया नहीं साहब, और इसलिए उसे सहारा देने के लिए मैंने उससे दूसरी शादी कर ली। सर, लेकिन हुआ क्या है? साबू बंसी झूठ बोल रहा है साहब, सब सब सच ये है कि पूजा का दिमाग खराब था साहब, उल्टा मैं तो उसका इलाज करवा रहा था। तो उल्टा ही इलाज करवा रहा था उसका, काफी लंबे अरसे से उसको टॉर्चर कर रहा था और उसे फिजिकली और सेक्सुअली अब्यूज भी कर रहा था। साहब सच बात तो ये है कि मैं कभी पूजा के साथ फिजिकल रिलेशन बना ही नहीं पाया साहब, मैं जब भी उसके पास जाता था उल्टा मुझे मारने को दौड़ती थी साहब। तो इसलिए तूने उसे मार दी? साहब मैं क्यों मारूंगा उसको साहब, उसका दिमाग बिल्कुल खराब था, सच बताऊं तो औरत कभी मुझे समझ ही नहीं आई साहब, कभी तो गवारों वाली हरकत करती थी, कभी अंग्रेजी में बड़बड़ाती थी। आई विल एक्सपोज हिम, आई विल एक्सपोज हिम, आफ्टर ऑल इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, आई विल एक्सपोज हिम। पूजा के पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? वो अनाथ थी साहब, 6 महीने पहले एक सामूहिक विवाह में मेरी उससे शादी हुई थी। सामूहिक विवाह? हाँ साहब, साहब वो मुकेश नाम का एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उसने ही हमारी शादी कराई थी। ये लीजिए, हमारा NGO 21 अनाथ लड़कियों की शादी करवा रहा है, और मैंने सुना है कि तुम्हारी भी शादी नहीं हो रही है, तो तुम चाहो तो इनमें से किसी एक लड़की के साथ NGO द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी कर सकते हो। सर, सर ये वाली सब मुझे नहीं मालूम था कि जिससे मेरी शादी हुई थी वो दिमाग से खिसकी हुई थी। मुकेश और उस NGO की डिटेल्स हो जिन्होंने तुम्हारी शादी करवाई थी। ठीक है सर। जयंती, याद है तुमने कहा था जब तक हम दोनों एक दूसरे को ठीक तरह से जान नहीं लेते तब तक किसी को जानने के लिए उसके करीब आना जरूरी होता है, कहीं तुम नपुंसक तो नहीं इसलिए घर जवाई बनने के लिए तैयार हो गए? ये क्या कह रही हो तुम जयंती, सोच के तो बोलो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर दिखाऊंगा, दिखाओ मुझे अपनी मुलाकात। जयंती, लेकिन सर कहीं से भी ये पता नहीं चल रहा है कि उन्होंने वो अर्थी कहाँ से खरीदी होगी जिस पे पूजा की लाश मिली थी। सर, सर मुकेश का फोन काफी महीनों से बंद है, वो भी गायब है, और निरंतर ने जिस NGO के बारे में हमें बताया था वो NGO वाले किसी भी मुकेश को नहीं जानते और ना ही कोई सामूहिक विवाह करवाते। मतलब निरंतर ने झूठ बोला, पर फिर भी ये मुकेश गायब क्यों है? और निरंतर और बंसी ने बताया कि उनके पूजा के साथ
किसी तरह के कोई फिजिकल रिलेशन नहीं थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पूजा को लंबे अरसे से फिजिकली और सेक्सुअली टॉर्चर किया जा रहा था। सर हो सकता है बंसी और निरंतर दोनों मिलकर हमें घुमा रहे हैं, शायद दोनों ही उसका रेप करते हो। और निरंतर ने बताया कि पूजा कभी कभी अकेले में इंग्लिश में बड़बड़ाती थी। I will expose him. After all, it's a matter of national security. तो मुमकिन है कि पूजा किसी पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करती और ज़हनी हालत खराब होने की वजह से गलत लोगों के चंगुल में फंस गई। सर हमने निरंतर के घर की भी तलाशी ली तो वहाँ पर हमें एक रसीद मिली है जिस पर किसी मकबूल भूत की खरीदी के बारे में लिखा गया है। मकबूल भूत? हाँ सर, और सर निरंतर की घर की दीवार पर ब्रेकिंग न्यूज लिखा हुआ था और वहीं हमें कुछ ऐसे पेपर्स मिले हैं जिसमें कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है। और सर निरंतर ने हमें बताया था कि पूजा ये सब ट्रांस में आकर लिखा करती थी। ये तो किसी न्यूज़पेपर के हेडलाइन की तरह लग रहा है। विक्टिम की बॉडी हमें जिस हाथी पर मिली थी उस पर कुछ न्यूज़पेपर थे, उन न्यूज़पेपर के हेडलाइन को इन हेडलाइन से मैच करके देखो, देखो कोई कनेक्शन बनता है। और पूजा की तस्वीर को इंडिया के सभी थानों में सर्कुलेट करवाओ। आई थिंक हमें पूजा के केस को समझने के लिए पूजा और उसकी स्टेट ऑफ माइंड को समझना पड़ेगा। यस सर। सर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं एक सीक्रेट मिशन पर काम कर रही थी। कहानियां सुनाकर तुम हमें नहीं उलझा सकती। रुशाली की मौत के वक्त तुम उसके घर में मौजूद थी। सर मैं वहाँ सिर्फ गौतम से मिलने गई थी और जब मैं वहाँ पहुंची तो मैंने देखा कि और इसी वजह से मेरे कपड़ों पर खून लग गया और कपड़ों पर खून लगने की वजह से मैं घबरा गई, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं अपने घर चली गई। बस मैंने ये गलती कर दी, मुझे उसी वक्त आप लोगों को कॉल करना चाहिए था। लेकिन किया नहीं, तुम्हारा मोबाइल भी चेक करवाया हमने। नहीं सर, बल्कि ये वीडियो रुशाली ने खुद मुझे भेजा था। झूठ मत बोलो, तुम्हारे खिलाफ गौतम ने भी स्टेटमेंट दिया है। सर एक बार पहले उजाली ने मुझे प्रपोज किया था लेकिन मैंने उसे क्लियर कर दिया था कि मैं रुशाली से प्यार करता हूँ। इसी जेलसी के चलते तुमने रुशाली का मर्डर? नहीं सर, ट्रस्ट मी, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी का खून नहीं किया है सर। बेटा एनजीओ तो क्या, तो जिस मोहल्ले में रहता है ना वहां भी आज तक कोई सामूहिक विवाह नहीं हुआ है। पूजा को कहां से लाया था? बोल। सब मुकेश लाया था पूजा को मेरे पास। कहां से लाया था? साहब 51,000 रुपए में खरीदा था मैंने मुकेश से पूजा को साहब, लेकिन मेरी कोई गलत मंशा नहीं थी साहब, मेरी शादी नहीं हो रही थी और मुझे अपना घर संभालने के लिए एक औरत चाहिए थी। तुम ये मकबूल कौन है? साहब वही तो वो भूत है जो पूजा में घुसा था। निरंतर और चिराग बाबा मकबूल को भूत बता रहे हैं। तो जब पूजा तुम्हारे साथ रह रही थी, पूजा ने कभी भी तुम्हारे सामने इस मकबूल का जिक्र किया था? मकबूल नहीं सर, लेकिन अक्सर वो नींद में बहुत बेचैन हो जाती थी सर। नहीं छोड़ो, नहीं नहीं छोड़ो, मुझे छोड़ो। पूजा पूजा क्या हुआ? पूजा नींद में यासिर का नाम बड़बड़ाती थी, तो आपने कभी किसी यासिर को पूजा के साथ देखा था? मुझे नहीं पता ये यासिर और मकबूल कौन है, लेकिन कुछ तो बहुत बुरा हुआ था सर पूजा के साथ जिससे उसकी दिमागी हालत इतनी बिगड़ गई। मकबूल और यासिर ये दोनों कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं कोई नहीं जानता और ना ही इन दोनों को किसी ने देखा। और अभी तक की तहकीकात के मुताबिक मुकेश ही वो आखिरी शख्स है जो पूजा को यहाँ लाया था। तो मुकेश के कॉल रिकॉर्ड चेक करो और चेक करो कि उसमें मकबूल और यासिर का कोई नंबर मिलता है। यस सर। दिनेश, तेरा जयंती से कोई झगड़ा हुआ क्या? झगड़ा नहीं तो पापा। जयंती का सुबह से कुछ पता नहीं, फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए। सुबह से गायब है, कहाँ जा सकती है? हेलो जी, बोल रहा हूँ। क्या नहीं देखो, तुम मेरी बेटी को, मेरे पास इतना रुपया नहीं है भाई। हेलो हेलो पापा, कौन था ये? बेटा किसी ने जयंती को किडनैप कर लिया है और फिरौती में 5 करोड़ रुपए मांग रहा है। व्हाट? पापा हमें तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। आइए। नहीं नहीं पापा, उसने धमकी दी है कि अगर हमने ऐसा किया तो जयंती को क्या करूं? कितना भी जोर लगा लूं पर 2 करोड़ से ज्यादा का इंतजाम नहीं कर सकता मैं। तू कुछ करना बेटा,
पापा मैं इतने पैसे, बीवी है वो तेरी, अरे अपनी बीवी के लिए इतना नहीं कर सकता? किडनैपर ने हमें केवल 24 घंटे की मोहलत दी है बेटा। पापा आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। सर मुकेश के CDR में किसी यासिर और मकबूल का नंबर नहीं मिला है, बल्कि उसके CDR में कई फेक IDs के नंबर हैं। अगर मुकेश ने पूजा को किसी को बेचा था तो जाहिर है वो सेक्स रैकेट और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से भी जुड़ा होगा। एक काम करो, एरिया के जितने भी ब्रॉथल सब जगह चेक करो और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े केसेस स्टडी करो, शायद इस मुकेश को लीड मिले। यस सर। सर हमें सर कानपुर पुलिस से पूजा की एक इन्फॉर्मेशन मिली, उनका कहना है कि ये लड़की पूजा नहीं बल्कि उजाली नाम की एक जर्नलिस्ट थी सर, जो किसी रुशाली नाम की लड़की के मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट भी थी। और सर ये उजाली उस मर्डर केस में बेल पर थी, जिसके बाद से वो फरार है, तब से कानपुर पुलिस इसकी तलाश कर रही है। तो मतलब हमारे केस की विक्टिम मर्डर केस की सस्पेक्ट थी। जानते थे कि 3 साल से आपकी बेटी उजाली कहाँ रह रही थी? सर मैं तो खुद पिछले 3 साल से इसको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन एक मर्डर केस में एब्सकॉन्डिंग है, राइट? मेरी बेटी बेकसूर थी, कोर्ट ने उसको जमानत भी दी थी। जमानत पर बाहर आने के बाद उसको किसी ने अगवा कर लिया था सर। किसने अगवा किया, कौन था वो? ये तो नहीं मालूम, लेकिन उसके साथ साजिश हुई थी। हमने उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी पुलिस में लिखवाने की कोशिश की थी सर, लेकिन पुलिस ने हमारी कंप्लेंट तक दर्ज नहीं की, उल्टा उस पर फरार अपराधी का टैग लगा दिया सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि मर्डर चार्जेस से बचाने के लिए आपने खुद ही अपनी बेटी को कहीं भेज दिया छुपने के लिए? नहीं सर, मैं तो पिछले 3 साल से उसकी तलाश में था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी मौत की खबर सुनने को मिलेगी। आपकी बेटी उजाली पूजा बनकर कोटा में इन लोगों के साथ में रह रही थी, इनमें से किसी को जानते हैं आप? नहीं। उजाली मर्डर केस अब 3 साल पहले हुए, उजाली ने 3 साल पहले रुशाली का मर्डर किया था या नहीं, इसके साथ पुलिस को यह भी पता करना था कि उजाली की जिंदगी में मुकेश, निरंतर और बंसी कैसे आए और मकबूल और यासिर कौन थे, आखिर उजाली का उनसे क्या वास्ता था। सर 7 दिन पहले राजपुर रोड पर जो ATM कैश वैन लूटी गई थी, उस केस में राजपुर पुलिस ने मकबूल और यासिर नाम के इन 2 क्रिमिनल्स को जीरो डाउन किया जिन्होंने ये लूट की थी। सर हमारे केस में भी तो मकबूल और यासिर यही दोनों नाम सामने आए और अब राजपुर पुलिस इन दोनों को ढूंढ रही है। पर हमारे केस में जो यासिर और मकबूल के नाम सामने आए हैं उन्हें किसी ने देखा नहीं, उनके सिर्फ नाम सामने आए थे। अब ये महज इत्तफाक है कि इन दोनों के नाम भी सेम हैं, क्या ये दोनों वही हैं? राजपुर पुलिस से कॉन्टैक्ट करो और पता करो क्या इन दोनों का हमारे केस से कनेक्शन बैठता है। सर रुशाली मर्डर केस में रुशाली के जिन दोस्तों के स्टेटमेंट लिए गए थे और सर उजाली जब बेल पर रिहा हुई थी तो उसने लास्ट कॉल किसी करण नाम के लड़के को किया था और सर करण ने कानपुर पुलिस को काफ़ी हैरान करने वाले स्टेटमेंट दिए थे। उजाली ने जब मुझे लास्ट टाइम कॉल किया तो उसने मुझसे फेवर मांगा था, उसने मुझसे कहा कि मैं अपने क्रेडिट कार्ड से उसके बैंगलोर जाने के लिए फ़्लाइट की टिकट बुक कर दूँ, लेकिन सर ऐसा करके मैं फंसना नहीं चाहता था, इसलिए फिर मैंने कोई टिकट बुक ही नहीं की। करण के स्टेटमेंट के बाद कानपुर पुलिस ने उजाली को बैंगलोर में भी ढूंढने की कोशिश की थी। सस्पेक्ट तो रुशाली का मंगेतर गौतम भी था, अब चूंकि उजाली कहीं गायब होगी तो सारा शक उसी पे आ गया और गौतम को मिल गई क्लीन चिट। तो सर उजाली को गायब करने में गौतम का भी हाथ हो सकता है? मुमकिन है, या ये भी मुमकिन है कि उजाली खुद ही कहीं गायब होगी और वो पागलपन वो सिर्फ महज उसका एक ड्रामा। आई थिंक हमें रुशाली मर्डर केस से जुड़े लोगों को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, हो सकता है उन्हीं में से किसी ने उजाली को गायब किया और उसका मर्डर भी कर दिया।
नेताजी वो जर्नलिस्ट उजाली, उसके मर्डर केस वाली पुलिस अब रुशाली मर्डर केस में दिलचस्पी ले रही है। कहीं ऐसा ना हो कि वो उजाली का लिंक ढूंढते ढूंढते हम तक पहुंच जाए। सर उजाली 3 साल से गायब थी, अब अगर उसकी लाश मिली है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने रुशाली का मर्डर नहीं किया होगा। एक बात बताओ, दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे ना? हाँ सर। तो उजाली के फ़ोन पर तुम्हारा और रुशाली का एक वीडियो मिला था जो भेजा तो गया था रुशाली के फ़ोन से, पर हो सकता है वो वीडियो तुमने भेजा ताकि उजाली को फंसा सको। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं भेजा था। वो लड़की एक क्राइम रिपोर्टर थी, हो सकता है उसके क्रिमिनल्स के साथ कनेक्शन रहे हो जो उसे 3 साल से प्रोटेक्शन दे रहे थे। तो मतलब तुम उन क्रिमिनल्स को जानते हो? नहीं सर, मैं तो बस वो कह रहा हूँ जो यहाँ के लोकल न्यूज़पेपर्स में छपा था उजाली के गायब होने के बाद। और सर, सर खबरी से एक इन्फॉर्मेशन मिली है, मुकेश एक लड़की का सौदा करने के लिए दौलतपुर आने वाला है। उठाओ सर। यस सर। अरे और कितना वेट कराएगा, कब से वेट कर रहा हूँ, लड़की कब आएगी? हाँ सब सब मैं सब कुछ बताता हूँ सब सब मैं मानता हूँ कि मैंने उस लड़की को निरंतर को बेचा था, लेकिन साहब मैंने उसको मारा नहीं साहब, मैं सच कहता हूँ। अब ये बता कि लड़की तेरे हाथ कैसे लगी थी? उस लड़की को मैंने 2 क्रिमिनल से खरीदा था। क्या यही दोनों मकबूल और यासिर है? हाँ साहब यही दोनों है। ये दोनों कहाँ मिले और उजाली इनके हाथ कैसे लगी बोल? मैं कुछ नहीं जानता हूँ साहब, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं सच कहता हूँ साहब। हेलो सर, सर एक राहगीर ने इस लड़की की लाश को देखा और उसके बाद हमें फोन किया। ठीक है, फिर भी आसपास चेक करो, कोई सीसीटीवी है के, और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। सर ये पर्स मिला है, इसी लड़की का है। पर्स में आधार कार्ड, एटीएम कार्ड और कैश भी है। ज्वेलरी भी इंटैक्ट है, कैश नहीं लूटा गया, तो मतलब मकसद लूटपाट तो नहीं हो सकता। नाम क्या है? शांति श्रीवास्तव। फैमिली से कॉन्टेक्ट करो। सर सर पक्का मेरी बेटी का मर्डर मेरे दामाद ने करवाया सर, और उसी ने मेरी बेटी का किडनैप भी करवाया था। तो जब आपकी बेटी किडनैप हुई थी तब आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? मुझे किडनैपर ने धमकी दी थी सर, मैं सब कुछ वैसे ही करता रहा जो जो मेरा दामाद मुझे बोलता रहा। उल्टा उसने मेरा भरोसा जीतने के लिए 5 करोड़ की फिरौती में से 1.5 करोड़ रुपए का इंतजाम भी किया, और उसके बाद वो रुपए लेकर गायब हो गया सर। आपके पास आपके दामाद की कोई तस्वीर वगैरह? हाँ सर, ये मेरा दामाद दिनेश और ये उसकी बहन सुनीता, मैं इनके घर भी गया था सर, पर पता चला ये लोग किराए के मकान में रहते थे, वहाँ से खाली करके जा चुके हैं सर। कोई बात नहीं, जहाँ पे आपका दामाद किराए पे रहता था वहाँ का एड्रेस दीजिए, और उसके अनुज एड्रेस आप जाइए इनके साथ। अंसारी सर, राजपुर पुलिस को मकबूल और यासिर की लाश मिली, लेकिन सर उन्हें उनके पास से लूट का पैसा नहीं मिला। ये कोई बड़ा गेम है, मकबूल और यासिर को इसलिए मारा गया ताकि हमें पता ही ना चले कि उजाली उनके जंगल में कैसे पहुंचे। ये जो भी है, उजाली की प्रेजेंट लाइफ या उसके 3 साल पहले की जिंदगी से जुड़ा हो सकता है। एक काम करो, राजपुरा पुलिस से यासिर और मकबूल दोनों के डिटेल्स निकलो। ओके सर। क्या आपने सच में 3 साल पहले उजाली को इस केस से बचाने के लिए कहीं छुपा दिया था? ये क्या बोल रहे हो तुम सुमन? अगर आप उसे बचाना चाहते थे तो फिर उसका मर्डर कैसे हो गया? किसने मारा उसे? किसने मारा मेरी बच्ची को? हाँ ठीक, जैसे पता चलता मुझे बताओ। सर मैं जयंती के फादर को जयंती की ज्वेलरीज और कैश हैंड ओवर कर रहा था, तो उन्होंने उसमें से रिंग लेने से मना कर दिया। ये बाकी सब तो जयंती का है सर, पर ये तांबे की अंगूठी जयंती की नहीं है सर। लेकिन ये अंगूठी तो आपकी बेटी की उंगली पर ही मिली है। पर जयंती तांबा पहनती नहीं थी, उसे ज्योतिषी ने मना किया था। अगर जयंती तांबे की रिंग नहीं पहनती थी तो फिर ये तांबे की रिंग उसकी उंगली में कैसे आई?
काम करो, उजाली के बॉर्डर पे हमें जो जो सामान मिला था वो सामान लेकर आओ तुरंत। यस सर। एग्जैक्टली सेम। अब क्या ये महज इत्तफाक है कि दोनों विक्टिम्स ने सेम अंगूठियाँ पहनी हुई थी, या फिर इन दोनों केसेस की कहानियाँ इन दो अंगूठियों में कहीं छुपी हुई? तो मतलब जयंती और उजाली का केसेस आपस में कनेक्टेड है, और पूरे चांसेस हैं कि दोनों का कातिल कोई एक ही है, दिनेश और सुनीता के कलीग। सर फिलहाल तो उन दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। जितनी जल्दी हो सके पता करो, और ये भी पता करो क्या उजाली का इन दोनों से कोई कनेक्शन था, और हाल फिलहाल में जितने भी इस तरह के मर्डर केसेस हुए सब स्टडी करो, चेक करो क्या उन केसेस में कोई ऐसा केस है जिसकी सिमिलरिटी हमारे केस से। ओके सर। सर मैंने रुशाली और उजाली के कॉलेज टाइम के कई दोस्तों से पूछताछ की। सर पूछताछ में एक नया ही एंगल सामने आया जो कि करण के खिलाफ जाता है। सर देखिए, मैंने जो आपको पहले बताया था मैं अभी वही कहूंगा। उजाली का जब लास्ट टाइम कॉल आया था तो वो बैंगलोर जाने की फ्लाइट की 3 साल से तो यही रट लगा रहा है। बात बता, रुशाली का अफेयर तो तेरे साथ था, फिर वो गौतम से शादी क्यों कर रही थी? क्या सबूत है आपके पास? और आप लोग इस तरह से मुझे देखिए। सर आप जानते नहीं मेरे पापा कौन है। मेरे पापा की पूरी गोल हम खोल चुके हैं, सब पता है किस तरह का धंधे करते हैं वो। दूसरों की जमीन हड़पने के लिए मकबूल और यासिर जैसे गुंडों का सहारा लेते। अब सीधे बोल, वरना तू किसी के सहारे के लायक नहीं बचेगा। नहीं बोलेगा? उधेड़ो जरा इसको। सर फिर उजाली जमानत पे बाहर रही, और अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए वो मुझ पे शक करने लगी। उसने मुझे फ़ोन पे धमकाया कि वो मुझे फंसा देगी, और ऐसा कुछ हो इससे पहले ही मैंने उसे बेच दिया। और यहाँ आप लोग उजाली मर्डर केस में लग गए, तो मुझे लगा कहीं मैं ना फंस जाऊँ, इसलिए फिर मैंने उन दोनों को भी मार दिया। मैं मानता हूँ कि मैंने रुशाली को मारा था, पर उजाली 3 साल से कहाँ है मुझे नहीं पता। मैंने नहीं मारा उसे सर, यकीन कीजिए सर, मैंने नहीं मारा उसे। सर मुझे 3 अलग अलग एरिया के 3 मर्डर केसेस के बारे में पता चला, जिसमें विक्टिम की उंगली पर ठीक वैसे ही तांबे की अंगूठी मिली थी, और सभी औरतें थीं, और सबको गला दबा कर मारा गया था। और तीनों केसेस में क्रिमिनल की कोई लीड? हाँ सर, सर एक विक्टिम को मर्डर से पहले एक लड़के के साथ में देखा गया था, उसका स्केच भी बना था। सर आज तक इस लड़की की पहचान नहीं हो पाई है। सर कौन? सर ये दिनेश और सुनीता तो बहुत पहुंची ही चीज निकले सर। सर ये दोनों भाई बहन नहीं है बल्कि पति पत्नी है, और इन्होंने कई शहरों में कई फ्रॉड किए हैं सर। दिल्ली, गुजरात और MP की पुलिस इन्हें कई सालों से ढूंढ रही है। देखा सुविराज, कैसे 11 लाख देके मैंने करोड़ों अंदर कर लिए। So, अब क्या प्लान है? जाने मन, अगला प्लान ये है कि इस बार मैंने शादी की थी, अगला बकरा किसी लड़के को बना के उससे तुम शादी कर लेना। क्यों? क्या कर रहा है तू? मुझे शादी करनी है, मेरी शादी करवा दो। दिमाग खराब हो गया तेरा? इस स्केच को अच्छे से देखो, इस आदमी को जानते हो? साहब इसको तो मैं जानता हूँ, इस पे भी भूत आता था। जब मैं बंसी के घर जाता था उसे मिलने, तो इसकी बहन ने ही मुझे चिराग बाबा के बारे में बताया था। बहुत घुमा लिया तूने हमें, बोल कहाँ है तेरा भाई? मैंने किसी को नहीं मारा साहब, वो मेरे बाप ने इन सब का मर्डर किया। कम से कम मरने के बाद तो अपने बाप को सुकून से रहने दे। नहीं साहब, वो मेरा बाप मरा नहीं है कमीना, उसका भूत है ना साहब, वो मेरे अंदर आता है रोजाना, बोलता है कि मैं ना खा रहा हूँ, निकम्मा हूँ, और कोई लड़की मुझसे शादी नहीं करेगी साहब। हाँ, और मैं जब भी किसी लड़की को पसंद करता हूँ ना साहब, मार देता है।
वो पूजा है ना साहब, उसको भी मेरे बाप के भूत ने मार दिया। तूने बताया नहीं ना मुझसे शादी कब करने वाली है। तूने पूजा की लाश को अर्थी पर क्यों रखा था? मैंने जब उसको मारा था ना साहब, तो वहाँ एक अर्थी पड़ी थी लावारिस, हाँ, तो मैंने बांध दिया साहब, सोचा कि मुक्ति मिल जाएगी उसको, बस ऐसे। और जयंती, उसको क्यों मारा? उसके बाप ने इश्तेहार दिया था शादी का, और जब मैं पहुंचा ना वहां पे तो शादी हो चुकी थी साहब। फिर मैंने एक दिन देखा कि उसका जो पति है ना साहब, वो उसको है ना कार से बीच रास्ते में छोड़ करके भाग गया था। आपके आपके लगे तो नहीं? मैं पर्स पर्स छोड़ा था। पति था ना तुम्हारा? हाँ, एक काम करो, तुम उसे छोड़ दो, हाँ, मुझसे शादी कर लो, हाँ, मुझसे शादी कर लो ना। क्या बोल रहे हो आप? ना मेरी शादी करवा दो, फिर कोई नहीं मरेगा। शादी नहीं, तेरी बर्बादी होगी, और चिंता मत कर, इस जेल से अब तुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, यही सड़ेगा जिंदगी भर। रेडी, शैल वी टेक? या, रेडी, रोल, रोलिंग, एक्शन। हर जुर्म का कोई ना कोई एफेक्ट इफेक्ट जरूर होता है, जिसका असर विक्टिम के साथ साथ उसके घर वालों को भी भुगतना पड़ता है, और साथ ही हर केस हमें भी कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है। जिसमें एक सवाल यह है कि आखिर क्यों उजाली को 3 साल तक गुमनामी की जिंदगी गुजारनी पड़ी, जिसका खामियाजा उसे शवेंदु जैसे मुजरिम के जुर्म का शिकार होकर करना पड़ा। कोई भी तहकीकात जब तक अपने सही अंजाम तक नहीं पहुंचती, उसका असर इतना ही भयानक होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि दिनेश और सुनीता जैसे मुजरिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, ताकि किसी और बेगुनाह का अंजाम जयंती और उजाली जैसा ना। ये केस हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि भूत प्रेत जैसे अंधविश्वास अक्सर गुनाहों को फैलने फूलने का मौका देते हैं। शिवेंदु को मानसिक उपचार की जरूरत थी, अगर उसे एसाइलम भेजा जाता तो शायद इस केस में ये स्थिति पैदा नहीं होती। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और उचित दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।